आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट अब तक के चक्कर में बैठे हुए थे कि नीट दोबारा होगा, तो कल फाइनल डिसीजन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इतनी बड़ी परीक्षा है, कुछ ही जगह लीक हुई है, इसको हम दोबारा नहीं करा सकते। जिन जिन सेंटरों पर लीक हुआ है उनका अपने स्तर से कोर्ट देखेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल कंक्लूजन हमारा ये पहुँचा हुआ है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। मेरे पास में भी काफ़ी स्टूडेंट का इंक्वायरी पड़ा हुआ था एडमिशन के लिए, MBBS के लिए, BDS के लिए, BAMS के लिए, BHMS के लिए। तो अब बच्चों मैं बता रहा हूँ, कुछ ही कॉलेज हैं जिनको उत्तर प्रदेश में परमिशन मिली है। NCISM ने अपनी वेबसाइट पर इसका लिस्ट भी जारी कर दिया है। आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा कॉलेज बेहतर है, अच्छा है, आपके सिटी के नज़दीक है, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ऐसे कॉलेजों को प्राप्त करने के लिए। और लोएस्ट कॉलेज, मतलब कुछ बच्चे होते हैं तो लोएस्ट कॉलेज, उन्हें लोएस्ट बजट का कॉलेज चाहिए, ऐसे बच्चे काफ़ी टच में हैं। बाकी जो बच्चे हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे थ्रू आउट काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो बच्चे कांटेक्ट करें, अच्छे से अच्छे कॉलेज में हम उनका एडमिशन करा सकते हैं लोएस्ट पैकेज में, और काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। और ये एक और मैं बात बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट का नीट क्वालिफाइड नहीं है, उनको कोई भी काउंसलर कॉलेज वाला ये कहता है कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, तो उसके झांसे में ना आए, क्योंकि विदाउट नीट क्वालिफाई एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बिल्कुल भी कहीं किसी को पैसा ना दें और ना ही पॉसिबल है, चुपचाप से तैयारी करें। अगर मेडिकल BAMS में या MBBS में करना है तो, और प्राइवेट MBBS करनी है, BAMS करना है, तो संपर्क करिए, अच्छे से अच्छे कॉलेज, बेहतर से बेहतर कॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से अच्छे बजट में, है ना। चलिए, थैंक यू।